हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नैनी क्लासेस। एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड द पोम अ टाइगर इन द जू। दिस इज द पोम ऑफ क्लास 10th फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट बुक। ये जो पोम है ये क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट में दी गई है, फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 2 में। एंड दिस पोम इज अबाउट अ टाइगर। टाइगर इज द मेन कैरेक्टर इन दिस पोम। टाइगर इसमें मेन कैरेक्टर है। एंड तो दिस पोम इज रिटन बाय लेजली नॉरिस। ओके, लेजली नॉरिस इज द पोएट ऑफ दिस पोम। दिस पोम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इस पोम में जो पोएट है वो बता रहा है कि व्हेन द टाइगर इज इन द जू हाउ इट बिहेव, कैसे ये बिहेव करता है। एंड जब वो जंगल में है तब कैसे बिहेव करता है। द पॉम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। इस पॉम में पहले जो टाइगर है वो जू में है, एंड देन आफ्टर दैट ही इज इन जंगल एंड बैक अगेन टू द जू, और बाद में दोबारा वो किस में है, जू में। एंड रीड द पॉम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टेंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। वी हैव टू रीड द स्टेंजा एंड देन वी हैव टू टेल कि इस पोम में कौन से स्टेंजा में जो टाइगर है वो एक जू में है एंड कौन से स्टेंजा में वो जंगल में है। ओके, सो लेट्स रीड द पोम। ही स्टॉक्स इन हिज विविद स्ट्राइप्स। इट मीन्स Stalks means to move slowly and quietly. धीरे और slowly और शांति से move करना। Vivid stripes means उसमें जो क्या वो है, stripes means धारियाँ हैं। Okay, जो उसमें धारियाँ होती हैं उनको stripes बोलते हैं। तो जो tiger है वो क्या कर रहा है, he stalks in his vivid stripes. Vivid means bright, जो उसकी bright stripes हैं, धारियाँ हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। जो टाइगर है इन दिस स्टेंजा, द टाइगर इन द जू, इस स्टेंजा में जो टाइगर है वो एक जू में है। बिकॉज टाइगर क्या कर रहा है, स्लोली एंड क्वाइटली मूव कर रहा है। कहाँ पे, कुछ स्टेप्स ले रहा है अपने केज में। वो कहाँ पे है, जू में है, क्योंकि वो कुछ ही स्टेप्स ले रहा है। If it would be in jungle, अगर वो जंगल में होता तो कहीं भी घूमता फ्रीली एंड इधर उधर जाता। बट वो कहाँ पे है, एक जू में है, तो वहाँ पे क्या है, एक लिमिटेड उसके लिए स्पेस है। तो वहाँ पे वो क्या कर रहा है, कुछ स्टेप्स ले रहा है। एंड ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और जो उसके पैड्स हैं, ओके, जो सॉफ्ट पार्ट ऑफ अंडर द फूट, जो पैरों के नीचे उनके सॉफ्ट पार्ट होता है उसको पैड्स बोलते हैं। तो उसको कंपेयर किया है, वो वेलवेट की तरह है। तो यहाँ पे उसके जो पैड्स हैं उनको वेलवेट से कंपेयर किया है। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर। मेटाफर में क्या होता है, कंपेरिजन होता है बिटवीन टू थिंग्स। तो यहाँ पे पैड्स को वेलवेट के साथ कंपेयर किया है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर। ओके, एंड इन हिज क्वाइट रेज मीन्स वो क्या है, क्वाइट मीन्स यहाँ पर शांत है, एंड रेज मीन्स यहाँ पे एंग्री है। यहाँ पे वो शांत भी है, वो गुस्से में है बट शांत है, क्योंकि एज ही वॉज इन द जू, क्योंकि वो जू में था तो ही कैन नॉट डू एनी थिंग देयर, वो वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए वो क्या है, वहाँ पे शांत है, गुस्से में होते हुए भी शांत है। तो यहाँ पे क्वाइट रेज, यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन मीन्स क्या होता है, विरोधाभास, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक अपोजिट आइडिया होता है। यहाँ पे क्वाइट एंड रेज दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, इसलिए यहाँ पे क्या है, ऑक्सीमोरन। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविध स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। वो क्या कर रहा है, अपनी ब्राइट धारियाँ हैं उसकी, तो उनके साथ में वो धीरे धीरे क्वाइटली स्लोली कुछ स्टेप्स ले रहा है अपने केज में। और जो उसके पैड्स हैं वो वेलवेट की तरह सॉफ्ट हैं। हिज पॉज आर जस्ट लाइक सॉफ्ट एज वेलवेट। तो उसके जो पार्ट होता है, जो अंडर फूट, फूट के नीचे जो पार्ट है, वो उसके पैर वो क्या है, बहुत सॉफ्ट हैं, किसकी तरह, वेलवेट की तरह। और
ही इज इन एंगर बट ही इज क्वाइट, वो गुस्से में है लेकिन वो शांत है, बिकॉज ही इज इन द केज, क्योंकि वो केज के अंदर है तो वहां पे वो कुछ नहीं कर सकता. नेक्स्ट, ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वॉटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. तो इस स्टेंजा में वो कहाँ पे है, ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो. वो क्या करता इफ इट वुड ही वुड बी इन जंगल, अगर वो जंगल में होता तो वो वहां पे क्या करता, ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो. लर्किंग मीन्स क्या होता है, छुपा हुआ, हिडन. तो वो क्या करता, शेडो में छिपता, जंगल में अगर वो होता तो शेडो में छिपता. एंड स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वॉटर होल, लॉन्ग ग्रास से निकल के, लंबी लंबी ग्रास से निकल के कहाँ पे आता, जहाँ पे जो एनिमल्स पानी पीने आते हैं वहाँ पे वो आता, वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पे जो डियर है वो पानी पीने आते तो वहाँ पे वो आता. प्लम मीन्स हेल्दी, ओके. तो वहाँ पे वो आता इफ इट वुड ही वुड बी इन जंगल, अगर वो जंगल में होता. तो यहाँ पे पोएट बता रहा है कि वो केज में है इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो गुस्से में होते हुए भी शांत है और कुछ स्टेप्स ले रहा है अपने पिंजरे के अंदर. बट अगर वो जंगल में होता तो वो क्या होता, फ्री होता, तो वो कहीं पे छिपा हुआ होता शेडो में, लॉन्ग ग्रास के पीछे, और जहाँ पे जो डियर हैं वो पानी पीने आते तो वहाँ पे वो क्या करता, वहाँ पे आता, नियर द वाटर होल, ओके. ही शुड बी स्नलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज, और इफ ही वुड बी इन जंगल, इन थर्ड स्टेंजा ही इज इन जंगल, ओके. इन थर्ड स्टेंजा ऑल्सो ही इज इन जंगल, थर्ड स्टेंजा में भी जो टाइगर है वो कहाँ पे है, जंगल में है. ही शुड बी स्नलिंग अराउंड हाउसेस, जो एट द जंगल एज, जो वहाँ पे जंगल के क्षितिज तक, एज मीन्स क्षितिज, जो घर बने हुए हैं तो वो वहाँ पे क्या करता, स्नर्लिंग मीन्स रोरिंग, जो साउंड है उसकी है वो साउंड करता हाउस के अराउंड, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज. तो वो क्या करता, जो उसके अनकवर्ड, बेयरिंग मीन्स यहाँ पे अनकवर्ड, अनकवर्ड वाइट शार्प टूथ, फैंग्स मीन्स जो उसके टीथ हैं शार्प, वो बहुत ज़्यादा नुकीले हैं. हिज क्लॉज, उसके जो पंजे हैं, तो टेरराइजिंग द विलेज, तो पूरे वो गांव को क्या करता, डराता, आतंकित करता. टेरराइजिंग मीन्स आतंकित करना, डराना, ओके. तो पोएट इज सेइंग हियर कि इफ द टाइगर वुड बी इन जंगल तो वो क्या करता, ही वुड बी रोरिंग, ही वुड बी टेरराइजिंग द विलेजर्स, ओके. वो रोर करता अपनी साउंड, जो उसकी साउंड है वो साउंड निकालता, और जो विलेजर्स हैं उनको अपने वाइट शार्प टीथ से और अपने पंजों से डराता. लेकिन क्या है, वो कहाँ पे है, केज में, वो कुछ नहीं कर सकता. वहां पे जो लोग हैं वो आते हैं, उसे देखते हैं, उसे छेड़ते हैं, गुस्से में होते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकता. बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, ही स्टैंड बिहाइंड बार्स. लेकिन अब इन दिस स्टेंजा, इन फोर्थ स्टेंजा, ही इज इन द अगेन इन द जू. वो अगेन कहाँ पे है, एक जू में है. तो कह रहे हैं, पोएट इज सेइंग कि अब वो लॉक हो गया है, कहाँ लॉक किया गया है, वो एक कंक्रीट सेल में. कंक्रीट सेल मीन्स बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स सीमेंट स्टोन्स, ओके. जो बिल्डिंग बनी हुई है सीमेंट ब्रिक्स और स्टोन से, तो वो एक कंक्रीट सेल में है, ओके. ये किसने ये एक्ट किया है, ह्यूमन बीइंग ने, ओके. ह्यूमन बीइंग ने उसको पिंजरे में रखा हुआ है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसकी ताकत है, वो बिहाइंड बार्स, बार्स के अंदर, ओके. जहाँ पे उसकी जो स्ट्रेंथ है उसका कोई भी यूज नहीं है, वो कुछ भी अपनी ताकत वहाँ पे नहीं दिखा सकता. ही कैन नॉट डू एनीथिंग बिहाइंड बार्स, बार्स के अंदर वो कुछ भी नहीं कर सकता. स्ट्राकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स. वो जस्ट क्या कर रहा है, जो उसका पिंजरा है, केज है, उसकी लेंथ को नाप रहा है, उसकी लंबाई को नाप रहा है, बस इधर से उधर जो थोड़ा बहुत स्पेस है उसमें वो वॉक कर रहा है, और जो विजिटर्स है उनको इग्नोर कर रहा है, ओके. ही इज इग्नोरिंग द विजिटर्स, विजिटर्स आ रहे हैं उसे देख रहे हैं तो उन्हें इग्नोर कर रहा है. और उसके पास ऑप्शन भी क्या है कि वो क्या कर सकता है, इग्नोर ही करना है उसे विजिटर्स को. ही कैन नॉट डू एनी थिंग. अगर वो बाहर होता तो तब विजिटर्स को पता चलता, तब वो उन्हें अटैक कर सकता था, उन्हें डरा सकता था. बट अब वो कहाँ है,
पिंजरे के अंदर है, सो ही इज जस्ट इग्नोरिंग द विजिटर्स. विजिटर्स आते हैं, आप लोग भी जाते हैं, जैसे जू में खुश होते हैं टाइगर को देख के, कोई भी एनिमल्स को देख के, बट इट इज नॉट गुड. इट इज एन इनह्यूमन एक्ट. ये क्या है? इनह्यूमन एक्ट है किसी भी एनिमल्स को पिंजरे में रखना, केज में रखना. ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स. और जो उसने लास्ट वॉइस सुनी थी रात में, वो किसकी सुनी थी? जो पेट्रोलिंग कार्स में, जो गार्ड करने के लिए कार्स होती हैं, पुलिस की गाड़ियां होती हैं जो कि वहां पे गार्ड करने के लिए हैं, तो उसकी उसने वॉइस सुनी थी लास्ट नाइट में. एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. वो बस क्या कर रहा है? अपनी ब्रिलियंट आईज से घूर रहा है, स्टेयर्स में से घूरना, जो शाइनिंग स्टार्स हैं उनको घूर रहा है अपनी केज के अंदर से. तो हेयर इन लास्ट सिंजा अगेन ही इज इन द जू. यहाँ पे भी वो कहाँ पे है? जू के अंदर है. आई होप आप सभी को पोम पसंद आई होगी.